निगम का चुनाव नए प्रारूप के साथ होना है, जिसमें बताते चले कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे अब जनता करेगी, जिसको लेकर लोग लाख दावेदारी कर रहे हैं और मेयर के सपने बुन रहे हैं। कुछ लोग नाम के हैं तो कुछ लोग काम के हैं, और मैं आज जिससे आपको मिलाने जा रहा हूं, ये नाम और काम दोनों के लिए जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज के सचिव डॉक्टर अजय प्रकाश, जो कि सेहत में सुधार लाते हैं इंसानों के, और अब ये समाज सुधारने का बीड़ा उठाए हैं। सर, सबसे पहले आपका बिहार न्यूज में स्वागत है, और आप मेयर का चुनाव कर रहे हैं। सर, डॉक्टर और अब मेयर, राजनीति, ये कुछ समझ से परे, थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरी नज़र में सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनमानस को नमन करता हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ ये कि मेरी नज़र में राजनीति भी सेवा ही है, और पहले भी ये दर्शाया जा चुका है। हमारा देश भी जो आज़ाद हुआ वो सेवा भावना से ही आज़ाद हुआ, सेवा किया गया है। तो राजनीति पूरी तरह से सेवा भावना है, और चिकित्सक के पेशा में ही सेवा निहित है। मतलब हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अर्निंग करना है अपने परिवार के जीवन यापन के लिए। तो हम भी चुने हैं, और हमारे तो पूरे परिवार वाले, मतलब हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, मैं, ये सभी लोग जो है वो चिकित्सा कार्य में ही रहे। तो चिकित्सा के अंदर जो निहित है वो सेवा है, और राजनीति को भी मैं सेवा मानता हूँ। तो राजनीति में सर, आपके तरफ से, आपके पूरे परिवार की तरफ से, आप पहली बार आ रहे क्या? नहीं, पहले भी मैं 2017 में CCIM आयुष मंत्रालय भारत सरकार का चुनाव लड़ा। अच्छा। और पूरे बिहार के जो चिकित्सक होते हैं आयुष के, वो हमारे वोटर होते हैं संपूर्ण बिहार के, और एक बहुत ही बड़े अंतर से जीत मिली थी। और उससे पहले हमारे दादाजी भी होम्योपैथिक बोर्ड में रहे, और भी कई सारे जिला परिषद वगैरह, ये सब में भी लोग हमारे परिवार के रहे हैं। लेकिन मूल रूप से चिकित्सा सेवा ही हमारा रहा है, और राजनीति और चिकित्सा दोनों को मैं सेवा ही मानता हूँ। तो सर, आप राजनीति की ओर जा रहे हैं और मेयर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और काफी चर्चे भी हैं आपके योग के माध्यम से, पूरे बिहार नहीं पूरे इंडिया में ये जाने जाते हैं, और इनका निशुल्क योग शिविर इंडिया के कोने कोने में, बिहार के कोने कोने में निशुल्क लगाया जाता है। सर, अब हम बात करेंगे चुनाव की, जिसमें जनता डायरेक्ट चुनेगी। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं, और कैसे उम्मीद पे आप खरा उतरेंगे जनता का, जो पब्लिक है, जनता जनार्दन है। बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि एक ही सड़क को सर 20 बार कोड़ा जाता है, यह स्थिति हो गई है कि CCTV आपने भी देखा होगा, बहुत इस तरह की घटनाएं आते हैं कि ऑटो घुस जा रहे हैं, आदमी तक घुस जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। सर, क्या कुछ नया एक कॉन्सेप्ट के साथ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट कुछ लेकर आप उतर रहे हैं इस फील्ड में? देखिए, पहले भी मैंने बताया कि सेवा भावना से ही मैं आ रहा हूँ जी। तो पटना शहर को हर दृष्टिकोण से मुझे सशक्त बनाना है, नंबर वन बनाना है जी। ये पहला मेरा मोटो है। उसमें स्वच्छता तो आता ही है, कचरा प्रबंधन तो आता ही है, सुरक्षा भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है, शिक्षा भी आता है, पर्यावरण भी आता है। ये सब तरीके से, बेसिक रूप से जितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जनमानस को, वो तो पूर्ति की ही जाएगी। साथ ही साथ जो अगले कुछ वर्षों के लिए, जिसमें कि जो जरूरत की बातें हैं उसके अलावा भी संतुलन बनाने के उद्देश्य से, वो सभी कार्य को भी किया, निष्पादन किया जाएगा। संबंधित वैज्ञानिक, संबंधित पदाधिकारी, संबंधित कर्मचारी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी के बीच में सामंजस्य बैठाते हुए उन सभी कार्यों को अंजाम दिया जाएगा जो जनमानस के लिए जरूरी है। कैसे आप सर जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, कैसे पब्लिक से मिल रहे हैं, किस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा कार्य पेशा चिकित्सा है जी, बिल्कुल, तो सेवा निहित है। जब जब जिस दायित्व में मैं रहा हूं, बहुत ही दृढ़ता के साथ हमने काम किया, चाहे वो चिकित्सक के रूप में हो, चाहे वो शिक्षण संचालन के रूप में हो। आज हमारा ये शिक्षण संचार जो है संस्थान, इसके पूरे भारत में ब्रांचेज है, और दूसरे देशों में भी ब्रांचेज। निश्चित रूपेण उसके लिए आइडियाज की जरूरत पड़ी होगी,
उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ी होगी, धरातल पर उतरने की जरूरत पड़ी होगी, चाहे वो सीसीआईएम आयुष मंत्रालय की बात, हर जगह दृढ़ता के साथ कार्य किया। इन सभी कार्यों को देखते हुए जो हमसे नजदीक के लोग जनमानस, तो उनके द्वारा व्हाट्सएप फोन मिल करके लोगों ने मुझे कहा कि आपका जो है वो आपको मेयर के चुनाव में आना है। तो उनके कहने ही पर हम लोगों ने मीटिंग की और निर्णय लिया कि मेयर के चुनाव में खड़ा होंगे। तो जब जनमानस के लाखों की संख्या में जनमानस कहने पर ही हम लोग खड़ा होने का प्लान किए हैं, तो निश्चित रूप से जो आत्मीय संबंध के साथ मैं जनमानस के बीच में मिलता हूँ, और मैं तो सर्वेक्षण भी करा रहा हूँ ना, ये सर्वेक्षण पिछले कई महीनों से चल रहा है, करीब 8-10 महीने से चल रहा है, क्योंकि मेरा तो शिक्षा दीक्षा पटना ही में हुआ है। बावजूद उसके हर वार्ड का हर व्यक्ति विशेष पर समस्याएं भैरी करती हैं, तो निश्चित रूप से सर्वेक्षण की आवश्यकता पड़ी मुझे लगा, और सर्वेक्षण कराया मैंने, सर्वेक्षण अभी चल भी रहा है, तो उससे सारी समस्याओं की जानकारी मुझे है और आगे और भी होगी। तो सभी के बीच सभी की असली समस्याओं को देखते हुए आत्मीय संबंध के साथ निश्चित रूप से हम लोग मिल रहे हैं और आत्मा से आत्मा का मिलन हो रहा है। निवर्तमान महापौर सीता साहू के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, इनके जो शासन का रहा है जिस उस दौरान क्या कुछ आपने देखा, और क्या कुछ नए के साथ आप अगर आते हैं बनकर, जनता आपको चुनती है तो क्या कुछ नया करेंगे आप पटना वासियों के लिए? निश्चित रूप से हमारे वो सर्वेक्षण जो मैं करा रहा हूँ उसके तहत बहुत सारी बातें आई और उससे मेरा संकल्प पत्र तैयार भी है और जनमानस के बीच पहुँच भी रहा। अच्छा, तो मैंने आइडियाज जो दिया वो आइडियाज का इम्प्लीमेंटेशन भी दो चार मुद्दे पर आ गया, जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। कभी कोई सोचा भी नहीं था कि नगर निगम जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलेगी, वो सर्वप्रथम मैंने ही कहा और वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। महिलाएं बाहर जाती हैं टॉयलेट में, उनकी समस्या होती है, तो उसका तरीका मैंने बताया, क्योंकि सिर्फ समस्या बताना निदान नहीं ना है, समस्या बता करके उसका निदान बताना भी सही उपाय है, और उस निदान बताने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करना भी सही निदान है। इम्प्लीमेंट होगा तभी तो धरात पड़ता है। तब भी मैंने कहा कि अलग कलर का टॉयलेट होना चाहिए, महिला उसका व्यवस्था देखनी चाहिए, तब महिलाएं उसका उपयोग करेंगे। मैंने कहा कचरा प्रबंधन की बात की, मशीनें आ गई हैं आधुनिक मशीनें, वहां पर कचरा कूड़ा जो है रिसाइकिल होकर के खाद में बदल जाता, इस तरह का जो बात है बेसिक जो तैयार हो। प्रस्ताव अंतिम बैठक जो हुई उसमें हुआ, वो अलग बात है कि जब नया मेयर कोई आएंगे, जो जब हो सकता है मैं ही आऊँ जनमानस, निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से ही मैं खड़ा होने वाला हूँ, तो मुझे ही बड़े अंतर से निश्चित रूप से जिताएंगे। तो जब मैं आऊँगा तो इम्प्लीमेंट करने का कार्य भी मैं ही करूँगा, लेकिन मेरे जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव वो संकल्प जब नगर निगम के फेस पर आ गया, आने लगा उसमें का 2-3 चीज, तो हम 24 प्रस्ताव सर्वेक्षण के बाद हमने बताया है। उसमें महिलाएं का भी समस्या इंकित है, उसमें बुजुर्ग लोगों का भी, उसमें शिक्षाविद का भी है, उसमें व्यवसायियों की समस्या है, उसमें स्टूडेंट्स की समस्या है। उन सभी समस्याओं का निदान मैंने बताया है कि किस प्रकार निदान किया जाए, तो इस तरीके से हम लोग कार्य को करेंगे। अब बात आपने कहा कि पिछले मेयर के कार्यकाल की बात, तो पिछले मेयर के कार्यकाल में निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि इस तरह के से जो गड्ढा है वो कहीं पर भी आदमी जानो माल का भी खतरा हो सकता है। बरसात और अभी बरसात आ गया है और यह स्थिति है कि जो मेन हॉल है वो खुले हुए, उसके ऊपर पानी का लेवल है और वो सीधे, तो वही मैं बता रहा हूँ कि उसमें पहले तो आइडियाज और आइडियाज के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन, और इस इम्प्लीमेंटेशन में सबका आत्मीय संबंध कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए। हर पदाधिकारी काम करना चाहता है, हर कर्मचारी काम करना चाहता है, हर विभाग काम करना चाहता है, लेकिन आत्मीय संबंध होना चाहिए, उसकी बहुत कमी रही है पदाधिकारी और मेयर के बीच। तो कैसे आत्मीय संबंध जो है वो बनेगा? निश्चित रूप से बनेगा। मेरा तो सेवा भावना रहा है, मुझे तो मेरे तो संस्कार में है, मेरे बाबा, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी सब समाज सेवा का स्कूल खोला उन्होंने, अब सरकारी हो गया, इस तरीके से हजारों जो है यज्ञ वगैरह कराए, सैकड़ों जो है तालाब कुआं वगैरह खुदवाने का कार्य किया गया है, तो ये सब तो संस्कार में है। तो ये सब देखते हुए और जब हम आपकी बात को सुनेंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे, जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसका निराकरण करने का कार्य करेंगे, पदाधिकारियों की समस्याओं को सुनेंगे उसका निराकरण करने का कार्य करेंगे, निश्चित रूप से जनमानस की समस्या को सुनेंगे
ऐसा नहीं कि ये होने के बाद अब उनकी बातों को आप अनसुना कर दिए, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए मैं पहले से भी सर्वेक्षण करा रहा हूँ, आगे भी उन सभी कर्मचारी पदाधिकारी जनमानस का समस्या सुनते हुए जब वो आउटपुट निकल करके आएगा, उसके निवारण का मुद्दा अभी भी निकल के आया है, आगे और जबरदस्त ढंग से निकल के आएगा, तब आत्मीय संबंध बनेगा। और वो आत्मीय संबंध जब बनता है तो अपना का पूरा एफोर्ट जो है पदाधिकारी भी लगाएंगे, कर्मचारी भी लगाएंगे और जनमानस भी लगाएंगे। जब सामूहिक रूप से ये व्यवस्था आएगी तब तो चमकना ही है पट्टा। डॉक्टर साहब, बिहार में परिवर्तन की बिहार वही है, पिछले पंचायती चुनाव में आपने देखा होगा कि 70% से ज्यादा पंचायतों में जो भी पद है उसमें चेंजेज आए हैं, और अब इसको लेकर मेयर और डिप्टी मेयर का भी चुनाव होना है और परिवर्तन की बिहार वही है, इसको लेकर आप कितने उत्साहित हैं और क्या कहेंगे? बिल्कुल होना है, परिवर्तन तो इस प्रकृति का ही नियम है जी, यहाँ तो परिवर्तन होता ही रहता है और परिवर्तन होना भी चाहिए। ये पटना को नंबर वन बनाना ये वक्तव्य आया, वो भी इम्प्लीमेंट नगर निगम करने का काम किया और उसका सर्वेक्षण कराना, उससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था, कहना तो दूर की बात, मेरे कहने के बाद कि मैं पटना को नंबर वन बनाऊंगा, उसके बाद इम्प्लीमेंट हुआ, सर्वेक्षण चल रहा है, लेकिन कैसे बनाना? तो परिवर्तन से ही ये सब चीज संभव है, क्योंकि एक पैटर्नल पोजीशन में कोई अगर काम कर रहा है उससे कुछ नहीं होने को। अगर अभी मान के चलिए कि सड़क पर बैलगाड़ी को चलाया जाए तो निश्चित रूप से अटपटा टाइप का लगेगा, नहीं तो बैलगाड़ी चल चुका 5 साल नहीं, पिछले 20-30 साल से चल चुका, अब समय बुलेट ट्रेन आने, अब समय है, सड़कें बन चुकी हैं बिहार की, अब उस पर फर्राटेदार कहने का कार चलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, फ्लाईओवर और सड़क बिल्कुल भी बिहार में दुरुस्त हो ही रहे हैं और लगभग हो भी चुके हैं, लेकिन नली नाला ये आज भी पटना और पूरे बिहार के लिए एक समस्या बनी हुई है, और जिसकी जिम्मेवारी अगर जनता चाहे तो आपको मिलने को है। वही मैं बोल रहा हूँ कि एक उदाहरण मैं दे रहा था कि सड़कें बन चुकी है, उस पर बैलगाड़ी का उदाहरण दे रहा था और कार का, तो वही अब जो समय है, अब वैज्ञानिक पहले भी ऋषि मुनि हुआ करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे और कुछ 100 वर्षों के लिए प्लानिंग होती। अच्छा जी, तो प्लान्ड वे में काम करने की आवश्यकता है, आधुनिक जो उपलब्धियां मिल चुकी हैं उन उपकरणों के साथ काम करने की आवश्यकता है। बैलगाड़ी, वही मैं उदाहरण दे रहा था कि बैलगाड़ी चलाएंगे तो कैसा लगेगा, अटपटा लगेगा, कार चलाएंगे, मोटरसाइकिल चलाएंगे, ये सब चलाएंगे तो सुटेबल होगा, तो उन उपकरणों के साथ, मैंने वो भी कहा था कि कचरा में सब कुछ वेस्ट नहीं होता है, उसमें खाद भी बन सकता है, तो खाद बनाने वाली एक मशीन निकल चुकी है, उस तरीके से उसका खरीदारी करना, वो भी एक मशीन खरीदा करके, मेरे बोलने के बाद एक मशीन खरीदा करा गया है, लेकिन वो चूंकि बजट वगैरह बहुत क्लियर नहीं हुआ है, वो अब अगले मेयर आएंगे तो इम्प्लीमेंट आ पा रहे हैं। निश्चित रूप से जब जनमानस ही खड़ा करने की बात कर रही है तो निश्चित रूप से बड़े अंतर से मुझे जीत दिला करके मेयर का दायित्व तो निश्चित रूप से जनमानस मुझे देगी, और मुझे, मैं पूरी दृढ़ता के साथ आधुनिक तरीके से पदाधिकारी कर्मचारी जनमानस राज्य सरकार केंद्र सरकार सभी के बीच में सामंजस्य बैठाते हुए पटना को बदलने का कार्य करूंगा, पटना को स्वस्थ बनाने का कार्य करूंगा, पटना को स्वच्छ बनाने का कार्य करूंगा, पटना को सशक्त बनाने का कार्य करूंगा, और सब मिलाकर के पटना को संतुलित बनाने का कार्य करूंगा, और तभी पटना नंबर वन होगा। जो हमारा विश्वगुरु रहा है, हमारा ये पाटलिपुत्र मूल में भारत जो विश्वगुरु रहा है उसके मूल में पाटलिपुत्र रहा है, गणित हमारा है, चिकित्सा विज्ञान हमारा है, युद्ध विज्ञान तक हमारा है, ज्ञान की दे, भगवान बुद्ध को यहाँ से ज्ञान, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, चाणक्य, आर्यभट्ट, ये सारे हमारे यहाँ से यह ज्ञान की धरती रही है, तो फिर आज बहुत पीछे पाटलिपुत्र रहने का क्या मतलब है? इन सभी के बीच सामंजस्य बैठाते हुए निश्चित रूप से विश्वगुरु का जो वो है स्थिति, उसको पुनः ला करके पटना को नंबर वन बनाने का कार्य किया जाएगा, पटना को संतुलित बनाने का कार्य किया जाएगा, कि भारत के सभी बड़े शहर जहाँ नगर निगम की व्यवस्था है वो लोग पटना को देखने आएंगे, यहाँ से सीखने आएंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है पटना में हर दृष्टिकोण से, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा का मामला हो, चाहे वेंडिंग जोन का मामला हो,
रेहड़ी पटरी वालों का, चाहे वो ई रिक्शा का मामला हो, टेम्पो वाले का मामला हो, चाहे वो विद्यार्थी का मामला हो आवागमन में, चाहे महिलाएं का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मामला हो, हर जगह पर स्थापित की जाएगी। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, जितनी भी बातें पटना नगर निगम के अंतर्गत में आती है, चाहे वो पर्यावरण का बात, चाहे वो पार्क का बात, चाहे रोजगार का बात, हर दृष्टिकोण से। अब देखिए ना, रोजगार में ही देखिए ना, वन विभाग जो है वो मेंटेन करता है इसको पार्क, जबकि जिम्मेवारी है पटना नगर, पैसा पटना नगर निगम का है, मेंटेन करता है वो। अरे क्यों करेगा पटना नगर निगम, क्यों नहीं करेगा? पटना नगर निगम खर्च कर रहा है तो वो अपना एम्प्लॉयमेंट, अपना रिक्रूटमेंट करेगा, और उस पर एक निगरानी समिति भी मैं बनाऊंगा कि वो सारे कार्यों का वो निगरानी समिति अच्छे ढंग से देखेगी। सीसीटीवी हमारा गली गली में लगाने का उद्देश्य है और संकल्प में है, तो सीसीटीवी चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसका भी हम लोग उसको देखेंगे। कहीं पर पार्किंग की जो व्यवस्था है वो सही ढंग से वहां मेंटेन किया जा रहा है, उसके लिए हमारी निगरानी टीम भी देखेगी। कहने का मतलब प्लांड वे में सारे तरीके का सभी कार्यों को कार्य करने का, नाला और नाली की बात आपने कहा तो उसको सही तरीके से करने का। अभी शायदपुर में जो है वो बहुत बड़ा नाला तो जाम है, उसके चलते लोग परेशान रहते हैं वहां, उसके लिए भी आइडियाज वैज्ञानिकों के साथ बना करके हम लोगों ने तैयार कर रखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी भी समस्याएं हैं, मैं तो मेरा शिक्षा दीक्षा यहीं पर हुआ है, मुझे समस्या के बारे में भी मैं संरक्षण सर्वेक्षण करा रहा हूँ। जितनी भी समस्याएं आ गई हैं उसके अनुसार संकल्प पत्र तैयार है, हमारा मैनिफेस्टो भी तैयार होगा जिसमें सब कुछ रहेगा। जितनी भी समस्याएं हैं उसका निदान हेतु, उसके निराकरण हेतु सब कुछ वैज्ञानिकों के साथ मिल करके अब तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बस उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो जनमानस जो है वो निश्चित रूप से दायित्व तो देगी, उन सबको धरातल पर उतारा जाएगा, और उस समय भी जनमानस के बीच का जो भी समस्या आएगा उनका कोऑर्डिनेशन के साथ बैठक करके और सभी के आत्मीय संबंध के साथ निराकरण निकालते हुए उसको धरती पर उतारने का काम किया जाएगा। निश्चित रूप से हर दृष्टिकोण से पटना नंबर वन बनेगा। विश्व गुरु का पुराना इतिहास जो है पाटलिपुत्र का रहा है वो पुनः दोहराएगा, और भारत के सभी शहर जो है इसका अनुकरण करने का कार्य करेंगे। पटना नंबर वन बनेगा, पटना नंबर वन बनेगा, इसी दृढ़ संकल्प के साथ मेयर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं डॉक्टर अजय प्रकाश। जिस तरह से आपने इनसे सुना क्या कुछ आइडियोलॉजी है इनके पास, और काफी कुछ नया कुछ लेकर ये आने वाले हैं, अगर इन्हें जनता मौका देती है तो बिल्कुल भी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। ये आने वाला दिलचस्प समय ही बताएगा कि पटना की जनता क्या इन्हें चुनती है। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हमारे चैनल को, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन समीम के साथ मैं विशाल चौहान, पटना।